एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमिताभ बच्चन ने लखनऊ में शुरू की गुलाबो सीताबो की शूटिंग। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को अपने आने वाली फिल्म गुलाबो सीताबो की शूटिंग लखनऊ में शुरू कर दी है। निर्देशक सुजीत सरकार की इस फिल्म में आयुष्मान खुराना भी नजर आएंगे। इसकी कहानी जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। फिल्म 24 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म चेहरे की शूटिंग खत्म कर चुके अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक खत्म दूसरा शुरू। जगह बदल गई, लोग बदल गया, साथ में काम करने वाले बदल गए, साथी बदल गए, शहर बदल गया और कहानी भी बदल गई। लखनऊ से गुलाबो सीताबो आयुष्मान खुराना इस फिल्म से पहले सुजीत सरकार के साथ काम कर चुके हैं और अमिताभ बच्चन के साथ सुजीत सरकार ने पीकू जैसी सफल मूवी में काम किया था। गुलाबो सीताबो के जरिए अमिताभ और आयुष्मान पहली बार बड़े पर्दे पर साथ काम करते दिखाई देंगे। फिल्मों की कमी से जूझ रहे शाहिद कपूर, कबीर सिंह का हिट होना जरूरी है। उड़ता पंजाब, विवाह, जब वी मेट और इश्वी जैसे फिल्मों में अपने एक्टिंग का लोहा मना चुके शाहिद कपूर इस बार कबीर सिंह लेकर हाजिर है। फिल्म 21 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शाहिद कपूर कियारा आडवाणी संग रोमांस करते दिखेंगे। ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर के लिए महत्वपूर्ण है। अपने करियर में कई सारी हिट फिल्में देने के बावजूद शाहिद कपूर के हाथ इन दिनों खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। हालांकि शाहिद कपूर बॉक्सर डिंको सिंह की फिल्म में नजर आ सकते हैं। फिल्म को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिल्म को लेकर कुछ क्रिएटिव इश्यूज हो रहे हैं। कंगना रनौत की मेंटल हेल्थ से टकराएगी कृति सेनन की अर्जुन पटियाला। फिल्म अर्जुन पटियाला के निर्माताओं ने सोमवार फिल्म को लीड एक्ट्रेस का एक वीडियो को दर्शकों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। वहीं मंगलवार को निर्माताओं ने फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया है। इन पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट का भी जिक्र किया है। यह फिल्म 26 जुलाई को रिलीज होगी। बता दें कि 26 जुलाई को कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टार्स मेंटल है क्या भी रिलीज होगी। इस प्रकार दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराएंगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।